दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इविंग्स अकेडमी धर्मशाला। माता हैं और हम इनके साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये बता रहे हैं कि पहले भी जो है वो ये युवक जो जिस युवक की मौत हुई है उसको बार बार जो है वो फ़ोन करके बुलाता था और उसको फोन करके बुलाया जाता था और उसके और उसको ले जाता था और ये कई बार मना भी करते थे। इससे पहले कोई इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई बात तो नहीं? कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं, बस हम तो ये समझते थे कि चलो दोनों ड्राइवर हैं तो बैठ के बातचीत करते होंगे, ये थोड़ी पता कि इन्होंने मर्डर कर देना इसका, इसने मर्डर किया और इसको भी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि इसको भी फांसी होनी चाहिए। जो मदर हैं वो कह रहे हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए और किसी ने हत्या की है ये, इसको इसको दुर्घटना नहीं हत्या मान रहे हैं जी। आप बता रहे थे कि आपको जब ज़रूरत पड़ती थी तो युवक खड़ा हो जाता था जी, आपके पड़ोसी हैं जी, भतीजा है आपका, अच्छा है, तो कैसा व्यवहार था इस लड़के का? तो ये जब भी बात करते थे तभी ये लड़का जो है वो तैयार हो जाता था, हमेशा तैयार रहता था। गांव के इसके जो ताई चाचियां और जो घर परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जी। आप भी बता रहे थे कि लड़का हमेशा खड़ा हो जाता था तो बिना हाथ दिए जो है वो अपने गांव के लोगों को, अपनी ताइयाँ चाचियाँ और जो अपना परिवार है ये हुआ है जी। हमने देखा तो बहुत अच्छा है जी, अच्छा था, हम जानते हैं इसको। तो लड़का बहुत अच्छा था, इसके जो सारे परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा जो है वो, क्योंकि बुआ बोल रही हूँ हमारा लड़का बहुत शरीफ था और बहुत अच्छा था, बहुत मेहनती और बहुत अच्छा था। अभी बाप को मरे हुए 3 महीने नहीं हुए और हमारे बच्चे को दुश्मनों ने मार गिराया, दोस्त ही होते होते भी उसको मार दिया, हमें उसके मतलब इंसाफ चाहिए, उन्होंने इस तरह मारा है कि उसकी मैं क्या बोलूँ। जी तो आपने देखा कि ये बुआ है, बुआ है युवक की और बहुत कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए उन आरोपियों को, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, खून का बहुत 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 व्यथित हैं, बहुत व्यथित हैं, धैर्य रखें आप, धैर्य रखें। पुलिस भी यहाँ मतलब मौके पर पहुँची हुई है, हर घटना की बारीकी से जांच हो रही है, फोरेंसिक टीम भी है, ढांढस बंधाया जा रहा है। आप क्या, ये ताई हैं, किस तरह था आपका जो बेटा था? अच्छा था जी, बहुत अच्छा लड़का था, ड्राइवरी करता था ना, ड्राइवर ऐसे हैं रात को भी आते हैं, दिन को तो उसने मैंने किया था ना, इसको फोन तो मुकुल गई था, रात को आया था मैंने मारा, गाड़ी चलाता था। तो आप क्या लगते हैं? चला दी और फिर उसने क्या बताया? अच्छा, और लड़का अच्छा था जी, और शरीफ था, कोई ऐसी बात नहीं कि लड़ाई झगड़ा करता हो किसी के साथ में, ऐसी कोई ड्राइवर के ऐसा नहीं जा रहा है, पर जिन्होंने ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो अगले हमारे लड़के आते जाते हैं रात को तो उनके साथ आगे आने वालों के साथ ऐसा ना हो। जी। तो ये जो माताएं बहनें हैं ये बता रहे हैं कि किसी अन्य युवक के साथ ऐसा ना हो, किसी अन्य युवक को के साथ दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो इलाके में, इसलिए इस मामले की जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए आरोपी को और पूरे मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि हर पहलू को जो है वो खंगाला जा सके। जी, आप भी इतने युवक के साथ गाँव के हैं, तो क्या नाम था इस युवक का? किस तरह का है ये लड़का और किस तरह का? तो क्या क्या लगता है आपको, क्या 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 काम कर रहे हैं? सर ऐसा लग रहा है कि कौन हुआ है, सारा लिया हुआ है, नेक्स्ट बंदे को मरी और हमारी अभी नेक्स्ट
खर्चा गाड़ी गाड़ी से मिल जाइए। हमें रात को जाते हैं काम से, हमको खतरा हो सकता है। तो जो लोग रात को काम से जाते हैं वो भी उनमें भी दहशत है, लोग डरे हुए हैं जी। आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरी घटना हुई, ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा कांड किया है, ऐसे ऐसी दर्दनाक हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि लोग व्यथित हैं पूरी तरह से, जो है वो माताएं और जो रिश्तेदार हैं सारे यहाँ घटनास्थल पर ही जो है वो डेरा जमा कर बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, व्यथित हैं और इस घटना से चिंतित भी हैं। और लोग हैं वो भी इस सारे मामले से चिंतित हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसा कोई वाक्य द्वारा सामने ना आए, इसलिए ये लोग पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस तरह की भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो, किसी क्षेत्र में इससे पहले भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो ऐसी घटना ना हो, इसलिए ये पुलिस प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं और अपनी व्यथा भी जो है वो सुना रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ टू बी डॉक्टर शिवांगी रांगरा एंड वेरी सून आई बी अ बैचलर इन डेंटल सर्जरी एंड फॉर माई दिस सक्सेस आई वांट टू ओ अ ह्यूज थैंक्स टू द इविंग्स अकेडमी लोकेटेड एट चामुंडा धर्मशाला इन पालमपुर एंड इट्स चेयरमैन मिस्टर गुलशन वर्मा हु इज एन आइकन ऑफ इंटेग्रिटी एंड हार्डवर्क एज वेल एज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। He and his team guided me to the right path and place I never thought I would be. Thank you, sir, for sticking up to me and letting me and showing me how to stick up to myself. And Ewings is a place which not only educate you but also groom your personality. Ewings is a place which really gives you wings to fly fearlessly to your goal. Thank you.